देखिए आगे 28 तक हुआ था, 29 स्टार्ट करते हैं। कहता है समानांतर क्रम में n समान सेलों का समतुल्य विद्युत बल पैरेलल कॉम्बिनेशन में n समान सेल का समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन जाई, सेकंड ऑप्शन दिया है जाई, थर्ड ऑप्शन दिया है जाई अपॉन एन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है एन अपॉन जाई। अब ये देखिए बताया थे, याद करिए नोट में, कि समानांतर क्रम में जब बहुत सा सेल जोड़ देते हैं तो समतुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। समानांतर क्रम में समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो कितना कतार है निर्भर नहीं करेगा बल्कि एक सेल के बराबर होगा, इसलिए जाई हो जाएगा। समानांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल एक सेल के बराबर होगा, वो कितना है वो जाई। देखिएगा कॉपी में मिल जाएगा, 30 देखिए। कह रहा है महत्तम शक्ति प्रमेय के अनुसार, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू 2R, सेकंड ऑप्शन दिया स्मॉल आर इक्वल टू 2 × R, थर्ड ऑप्शन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। याद करिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताए थे कि बाहरी प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू बाहरी प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताए थे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी लागू होगा जब आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस का मान इंटरनल असिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। 31 देखिए, मिश्रित क्रम संयोजन में महत्तम धारा के लिए, मिश्रित क्रम मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट के लिए, में महत्तम धारा के लिए, महत्तम धारा के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम, सेकेंड ऑप्शन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू एन एम अपॉन आर, थर्ड ऑप्शन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू एम आर अपॉन एन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। याद करिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बताए थे कि मैक्सिमम करंट तभी फ्लो होगा जब इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम पावर, तो पावर का फॉर्मूला बताए थे आई स्क्वायर आर, याद करिए एक दो फार्मूला तीन फार्मूला था, एक था वी स्क्वायर वाई आर, एक था वी इंटू आई, पावर का तीन फार्मूला था आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू आई। तो अगर आप इसको ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर ध्यान दीजिएगा तो मालूम चलेगा कि मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम करंट चाहिए। तो अगर मैक्सिमम करंट पूछ दिया तो समझिएगा कि मैक्सिमम पावर पूछा। अब उस केस में मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब एक्सटर्नल असिस्टेंस का मान कुल इंटरनल असिस्टेंस के बराबर होगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान कॉपी देखिएगा तो आपको मिलेगा एन आर अपॉन एम।
मिक्स कॉम्बिनेशन में कुल आंतरिक प्रतिरोध का अगर वैल्यू देखिएगा कॉपी में तो आपको मिलेगा एन आर अपॉन एम। तो ये हुआ आंतरिक प्रतिरोध और ये हुआ बाहरी प्रतिरोध। जब दोनों बराबर हो जाता है तभी आपको मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम करंट पूछा मिक्स कॉम्बिनेशन में तो समझिएगा मैक्सिमम पावर पूछा। मैक्सिमम पावर के लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू कुल बाहरी प्रतिरोध हो गया। 32 देखिए, कहता है किसी भी विद्युत सेल की क्षमता होती है, किसी भी विद्युत सेल की क्षमता होती है, किसी भी विद्युत सेल की क्षमता होती है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैपिटल आर अपॉन सॉरी फर्स्ट अपॉन दिया है कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर, सेकंड ऑप्शन दिया है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, थर्ड ऑप्शन दिया है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, फोर्थ ऑप्शन दिया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। याद करिए किसी भी विद्युत सेल की क्षमता, तो विद्युत सेल की क्षमता यानी पावर पूछा, तो पावर इफिशियंसी, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला बताए थे, इफिशियंसी का फॉर्मूला मतलब दर्शाते हैं ईटा से, याद करिए किसे दर्शाते हैं ईटा से, और ईटा का फॉर्मूला मतलब परिभाषा बताए थे आउटपुट पावर, क्या बताए थे आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, याद करिए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और आउटपुट पावर जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज गुना करंट, आउटपुट वोल्टेज गुना करंट, तो आउटपुट वोल्टेज भी हो जाएगा अब गुना करंट क्या हो जाएगा आई, इनपुट पावर यानी इनपुट वोल्टेज गुना करंट, तो ये तो जाई हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, इनपुट यानी कितना आप दीजिएगा, तो दीजिएगा बैटरी वाला इनटू करंट, कट गया अभी इक्वल टू हो जाएगा आई आर, भी इक्वल टू आई आर अपॉन जाई। तो आप बताइए एक चीज और ध्यान दीजिए, जाई को तोड़ना है, हम लोग पढ़े थे आई इक्वल टू जाई अपॉन आर प्लस आर, याद करिए आई इक्वल टू जाई अपॉन आर प्लस आर, तो उस केस में ईटा इक्वल टू आई आर अपॉन जाई, तो जाई के जगह पर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आई इंटू आर प्लस आर, आई आई कट गया तो आ गया आर अपॉन आर प्लस आर। कॉपी में सिद्ध कर चुके हैं, देखिएगा मिल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। एक बार और समझिए, कह रहा है कि सिर्फ विद्युत सेल की क्षमता होती है, तो क्षमता मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी को दर्शाए थे ईटा से, और ईटा का परिभाषा बताए थे किसी भी सेल के द्वारा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के अनुपात को ही बोलते हैं हम लोग क्या क्षमता, तो आउटपुट पावर हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज गुना करंट। पावर का तीन फॉर्मूला पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पी इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज गुना करंट, तीन फॉर्मूला। तो पावर इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट, तो आउटपुट पावर है तो आउटपुट वोल्टेज भी दर्शाते हैं गुना करंट आई दर्शाते हैं, इनपुट पावर है तो इनपुट वोल्टेज जाई दर्शाएंगे। कौन तो कह रहा सर इनपुट वोल्टेज को जाई किसे दर्शाएंगे, सर इनपुट मतलब होता है जो आप दे रहे हैं, तो आप दीजिएगा बैटरी वाला, तो बैटरी जाई होगा पर आपको निकलेगा आउटपुट होगा क्या भी निकलेगा आई आई काटा, और ओम के नियम से भी इक्वल टू दर्शा दिए आई आर, जाई रहने दिए। अब आई का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे पहले भी, आई इक्वल टू जाई अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ से जाई का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, जाई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, रख दिया कि आई आई कट गया ये आ गया। ये था आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला, कॉपी में देखिएगा उसको बढ़िया से प्रूफ कर चुके हैं, कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। 33 देखिए, कहता है कि तांबे के तार एवं जर्मेनियम के तार को ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध, तांबे के तार यानी कॉपर के तार एवं जर्मेनियम के तार को
ठंडा की जाती है, ठंडा मतलब तापमान कम किया, ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध किया जाता है तो प्रतिरोध तो प्रतिरोध फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपर का बढ़ेगा, सीयू का बढ़ेगा, जीई का घटेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है सीयू का घटेगा और जीई का बढ़ेगा। कॉपर का घटेगा एवं जीई का बढ़ेगा, थर्ड ऑप्शन है दोनों का घटेगा, दोनों का घटेगा, फोर्थ ऑप्शन है दोनों का बढ़ेगा, देखिए यहाँ कॉपर है, ये मेटल है, जर्मेनियम है वो सेमी कंडक्टर है, ये प्योर कंडक्टर है और ये सेमी कंडक्टर है। जर्मेनियम जो है सिलिकन एंड जर्मेनियम दो ऐसा है जो सेमी कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, पढ़ाएंगे आगे मॉडर्न फिजिक्स में। कॉपर जो है शुद्ध कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, और जर्मेनियम जो है वो सेमी कंडक्टर है। जब दोनों के तापमान को ठंडा करेंगे तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, दोनों का नेचर अलग अलग है, एक से प्योर कंडक्टर है तो एक दूसरा सेमी कंडक्टर है। तो अगर तापमान कम करेंगे, ठंडा करने का मतलब हुआ तापमान कम करना, तो जब तापमान कम करेंगे तो इसका प्रतिरोध तो घटेगा, क्योंकि प्योर कंडक्टर का नियम होता है, रूल होता है या नेचर होता है इसका कि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और जब तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो ठंडा कर रहे हैं इसका मतलब कॉपर का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि नेचर दोनों का उल्टा है, ये कहां कंडक्टर है प्योर, ये कहां सेमी कंडक्टर है। तो अगर इसके तापमान दोनों के तापमान को ठंडा किए जिसका ये प्रतिरोध घट जाएगा और इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे देखिए 34 कहता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, देख लीजिए एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा की इंग्लिश लिख देते हैं एम्पियर आवर किसका मात्रक है, देखो दिख रहा है किसका मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऊर्जा, बोले तो एनर्जी, सेकंड ऑप्शन दिया है आवेश, बोले तो चार्ज, थर्ड ऑप्शन दिया है पावर शक्ति, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। देखिएगा एम्पियर आवर, एम्पियर हो गया करंट का, आई हो गया टाइम, आई टी एम्पियर हो गया करंट और आवर हो गया टाइम, तो आई हो गया एम्पियर, आई हो गया एम्पियर और आवर हो गया टी, तो आई टी किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। एम्पियर हो गया आई मतलब एम्पियर हो गया और आवर का हो गया टी टाइम है, तो आई टी किसका मात्रक है, आवेश, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी यानी आवेश का मात्रक हो गया। तो आवेश को बोलते हैं क्या, चार्ज, आवेश को बोलेंगे चार्ज। देखिए 35 देखिए कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ किसके संरक्षण
पर आधारित होता है। पर आधारित होता है। याद करिए, पहला बताए थे, पहला नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत और दूसरा नियम ऊर्जा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया है ऊर्जा, तो यही हो जाएगा जी। उधर पढ़ने से जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है आवेश, दूसरा है आवेश। थर्ड ऑप्शन है शक्ति और फोर्थ ऑप्शन है नल। बता चुके हैं, पहला नियम आवेश, दूसरा नियम ऊर्जा। 36 देखिए, करें किसी विसर्ग नली में किसी विसर्ग नली में एक्स इलेक्ट्रॉन एंड वाई प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है तो निर्मित धारा, तो निर्मित धारा का मान, निर्मित धारा का मान पूछा आपसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है x माइनस वाई इंटू ई। सेकेंड ऑप्शन दिया है x प्लस वाई इंटू ई। अच्छा, ये जो प्रवाहित होता है ना प्रति सेकेंड, ये क्या होता है प्रति सेकेंड, यानी टाइम दिया 1 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन दिया है x डिवाइड बाई वाई इंटू ई और फोर्थ ऑप्शन दिया है x मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू ई। आप खुद सोच के बताइएगा, बता चुका है इस थ्योरी को चैप्टर 1 में, x प्लस वाई इंटू ई। इसमें थ्योरी था कि अगर कोई नली है, ट्यूब है, इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इस साइड आएगा, ये उल्टा आएगा, और यही प्रोटॉन जो होगा वो इधर जाएगा, है ना, वो इधर आएगा। तो उस केस में अगर बोलेंगे तो आप कहिएगा कि एक्स इलेक्ट्रॉन और वाई प्रोटॉन वाला थ्योरी का देखेंगे तो आपको आएगा x प्लस वाई इंटू ई। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, आई फॉर्मूला होता है q अपॉन t, आई इक्वल टू होता है q अपॉन t। दोनों ही प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। हाइपोथेटिकल प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोजन होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो खाली प्रोटॉन बचा होगा, तो उसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो टोटल चार्ज, तो एक्स इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आवेश आया एक्स ई, एक्स इलेक्ट्रॉन आया मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश लेकर के आया कितना एक्स होना ई, ये प्रोटॉन भी बाहर वाई, तो वाई प्रोटॉन पर भी सेम आवेश होता है वाई इंटू ई, ये आवेश इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये आवेश प्रोटॉन के द्वारा, दोनों को जोड़ दिया गया अपॉन टी बोले एक सेकेंड, तो हो गया एक्स प्लस वाई इंटू ई। कौन तो कह रहा सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव ना होगा, सर यहाँ पर चार्ज का हम लोग चिन्ह नहीं दे रहे हैं, चार्ज का चिन्ह नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसको मैग्नीट्यूड को रख रहे हैं। ऐसे भी अगर चिन्ह को देखिएगा, सिंबल के देखिएगा, तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन तो उल्टा जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी है उल्टा भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, और प्रोटॉन पॉजिटिव है डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, तो उसके इसमें आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू ई। थ्योरी में देखिएगा तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, थ्योरी में देखिएगा तो पहले बता चुके हैं कि एक्स इलेक्ट्रॉन और वाई प्रोटॉन वाला जब रहेगा तो दोनों को जोड़ करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 देखिए,
कहता है यदि आई धारा दर्शाता है, यदि आई क्या है करंट है, ठीक है, सी कैपेसिटेंस है धारिता, याद कर ली, सी जो है कैपेसिटेंस है धारिता है, और भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आई अपॉन सी भी का मात्रक पूछा है, तो आई अपॉन सी भी का मात्रक ये आपसे मांग लिया। आप ये सोचिए, अच्छा पहले ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है सेकंड, सेकंड ऑप्शन है सेकंड इनवर्स, थर्ड ऑप्शन है सेकंड स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है नन। देखिए आई अपॉन सी भी, आई अपॉन सी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करिए, क्यू बराबर सी भी होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करिएगा तो क्यू बराबर क्या होता था, सी भी, क्यू बराबर सी भी, आई हो गया, Q का मान बोल रही है IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT, I I कट गया 1 upon T, इसका मात्रक जब देखिएगा तो 1 upon second, time का second, ऊपर गया तो second inverse हो गया, ऊपर गया तो second inverse हो गया, तो second inverse वाला ऑप्शन देखिए B, एक बार और देख लीजिए, I upon CV, CV को याद करिए electrostatics में Q बराबर CV पढ़े थे, तो जहां सी भी उसकी जगह पर क्यू लिख दिया गया, और क्यू का फॉर्मूला पढ़े थे आई टी, आई आई कैंसिल हुआ, वन अपॉन टी सेकेंड से ऊपर गया, सेकेंड इनवर्स हो गया, बन गया। कहते निम्न में से कौन सा संबंध सही है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, संबंध सही है, ऑप्शन वाइज देखिए, कहता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेकेंड ऑप्शन दिया है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन माइनस अल्फा डेल्टा टी, थर्ड ऑप्शन दिया है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। तो जब ऐसा बात हो तो आप जनरली मारिएगा वन नंबर, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा तो ये ऑप्शन था, हाँ ये है कंडक्टर के लिए और ये है सेमीकंडक्टर के लिए, पता है तेज कंडक्टर के लिए जब तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बढ़ता है, और वही सेमीकंडक्टर की बात होता तो ये वाला ऑप्शन होता जहां घट जाएगा। 39 देखिए, कहता है श्रेणी क्रम में n समान सेल के संगत विषमतुल्य विद्युत भार पर बताइए, बता चुके हैं पहले, रिपीट हो गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में n समान सेल के संगत समतुल्य विद्युत वाहक बल याद करिए, एन जाई हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन जाई, सेकंड ऑप्शन दिया है एन माइनस टू एक्स इंटू जाई, थर्ड ऑप्शन दिया है जाई, और फोर्थ ऑप्शन लिखना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कोई भी सेल उल्टा नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी सेल उल्टा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए आप श्रेणी क्रम में क्या मारिएगा एन जाए। 40 देखिए, वही समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लास्ट है, देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में n समान सेल
पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन समान सेल के संगत समतुल्य विद्युत वाहक बल। बताए थे समानांतर क्रम में कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका डायरेक्ट ऑप्शन दे देते हैं, समानांतर क्रम में डायरेक्ट दे देते हैं कि समानांतर क्रम में समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन केवल और केवल क्या हो जाएगा, जारी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, खत्म हो गया।